SN Live सच सबसे आगे। SN Live न्यूज का सिवान में खबर का असर। हमने आपको हाल ही में एक खबर दिखाया था जिसमें दिव्यांग प्रियांशु एक पैरों से चलकर 2 किलोमीटर का सफर तय कर जाती थी स्कूल। हमने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता से आपको दिखाया था जिसमें सिवान की प्रियांशु 2 दिनों में दोनों पैरों से जाने लगेगी स्कूल। DM की भेजी जांच टीम लगाएगी कृत्रिम पैर। सिवान के जीरादेई प्रखंड के बंथु सिद्धराम की रहने वाली 11 साल की छात्रा प्रियांशु कुमारी अब अपने दोनों पैरों पर हौसले की उड़ान भर सकेगी। फुटबॉल और वॉलीबॉल को बेहद पसंद करने वाली 5वीं की छात्रा प्रियांशु कुमारी को जिला प्रशासन अब मदद के लिए आगे आ गया है। प्रियांशु की मदद पहुंचाने के लिए प्रमुखता से चलाई गई दैनिक भास्कर की खबर के बाद गुरुवार को सिवान जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे ने छात्रा की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि गांव के एक निजी विद्यालय में 5वीं की कक्षा में पढ़ने वाली प्रियांशु पिछले 6 वर्षों से पीठ पर थैला टांगे एक पैर से कूद कूद कर कच्ची सड़क की पगडंडियों पर स्कूल जाने को मजबूर थी। दैनिक भास्कर में खबर चलने के बाद तमाम IAS IPS से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और अब कई संस्था प्रियांशु की मदद के लिए आगे आए हैं। जिला प्रशासन अगले 2 दिनों में प्रियांशु को दोनों पैरों पर चलने का दावा कर रही है। अब एक पैर से करीब 2 किलोमीटर दूर कूद कर स्कूल जाने वाली सिवान की प्रियांशु अब दोनों पैरों से स्कूल जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर जीरादेई BDO जितेंद्र कुमार और सिवान सदर अस्पताल से डॉक्टरों की एक टीम प्रियांशु के घर पहुंची और उनके परिजनों से मुलाकात किया। इस दौरान डॉक्टरों ने छात्रा के विकृत पैर की जाँच की। जल्द ही छात्रा को कृत्रिम पैर लगवाने का आश्वासन दिया है। प्रियांशु का कहना है कि जिला प्रशासन आर्टिफिशियल पैर लगवा देती है तो उसे परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। वह आराम से अपने विद्यालय बिना थके और बिना उछले जा सकती है। इधर जिलाधिकारी के निर्देश पर आर्टिफिशियल पैर लगाने के लिए डॉक्टरों को अपने साथ लेकर जांच कराने पहुंचे अधिकारी ने बताया कि प्रियांशु को सरकार की ओर से मिलने वाली सारी सुविधाएं जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। फिलहाल इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SN लाइव। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर।